देश की राजधानी दिल्ली में गुंडों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। इनके ऊपर दो बार जानलेवा हमला हो चुका है। मेरा नाम कृष्ण कुमार राणा है सर, मेरा प्रॉपर्टी का काम है। हमारा एक प्रॉपर्टी का मैटर चल रहा है, जो अल्टरनेटिव प्लॉट है हमारा दादा लाई, उसको लेके हमारे परिवार में विवाद चल रहा है, तो जिसके थ्रू हमने उसमें 420 के ऑर्डर हो रखे हैं। उन्होंने एक विल जो है फर्जी बना रखी थी, जिसके लिए उन्होंने कह रहे हैं कि या तो केस को आप इसलिए और प्लॉट को छोड़ दे, नहीं तो उधर को जान से मार देंगे। गोलियां चला रहे हैं, मारने की धमकी दे रहे हैं और बदमाश आ रहे हैं घर पे लेके गाड़ियां और सारी चीज। 27 तारीख को मेरे पास जानलेवा हमला कराया गया इस रिठाला मेट्रो स्टेशन पे। 7-8 बदमाश गाड़ी लेके आगे पीछे गाड़ी लगाकर 28 तारीख को ही FIR लॉन्च हुई है दीपक के नाम पे। 28 तारीख को, 27 तारीख को जो इसने मेरे पे हमला करवाया गया। मैं कल जॉइंट कमिश्नर के पास पेश हुआ था यहीं पे, तो उन्होंने मेरे को आज बुलाया था, तो इन्होंने मेरे को देख लिया। जॉइंट कमिश्नर और DCP आ जाओ और हम आपके कार्रवाई करते हैं, लेकिन उन्होंने मेरे को देख लिया। जॉइंट कमिश्नर और DCP आते हुए कह रहा कि अब तू इतनी ज्यादा कार्रवाई कर रहा है ना, भागा दौड़ी कर रहा है, तो हम तेरे को जान से मरवा देंगे, तू ना रहेगा ना ही कार्रवाई होगी। नमस्कार, मैं हिमांशु और इस वक्त आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में गुंडों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। इसी का एक उदाहरण ये है कि हमारे साथ आज एक व्यक्ति मौजूद हैं। इनका ये कहना है कि इनके ऊपर दो बार जानलेवा हमला हो चुका है, फायरिंग हो चुकी है। कुछ CCTV फुटेज हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, आप इन्हें देख कर समझ सकते हैं कि किस तरीके से पूरी जो घटनाएं हैं वो लगातार इनके साथ हुई है। जुड़ते हैं, जानते हैं क्या कुछ पूरा मामला है, क्या कुछ हुआ है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्ण कुमार राणा है। क्या करते हैं सर आप? सर, मेरा प्रॉपर्टी का काम है। तो क्या कुछ हुआ था जरा बताएंगे? हमारा एक प्रॉपर्टी का मैटर चल रहा है, जो अल्टरनेटिव प्लॉट है हमारा दादा लाई, उसको लेके हमारे परिवार में विवाद चल रहा है, तो जिसके थ्रू हमने उसमें 420 के ऑर्डर हो रखे हैं। उन्होंने एक विल जो है फर्जी बना रखी थी, जिसमें कोर्ट के थ्रू उसका 420 के ऑर्डर हो रखे हैं, तो उसके लिए उन्होंने कह रहे हैं कि या तो केस को आप इसलिए और प्लॉट को छोड़ दे, नहीं तो तेरे को जान से मार देंगे। तो प्रॉपर्टी विवाद है, पारिवारिक विवाद है और उसके लिए हर घर की लड़ाई में गोलियां चल जाती हैं। हाँ जी, गोलियां चला रहे हैं, मारने की धमकी दे रहे हैं और बदमाश आ रहे हैं घर पे लेके गाड़ियां और सारी चीज। 27 तारीख को मेरे पास जानलेवा हमला कराया गया इस रिठाला मेट्रो स्टेशन पे। 7-8 बदमाश गाड़ी लेके आगे पीछे गाड़ी लगाकर पूरे CCTV कैमरे मैंने पहले भी चला रखी है उसकी, मैंने उसमें 28 तारीख को ही FIR लॉन्च हुई है इस दीपक के नाम पे। 28 तारीख को, 27 तारीख को जो इसने मेरे पे हमला करवाया गया है। मैं कल जॉइंट कमिश्नर के पास पेश हुआ था यहीं पे, तो उन्होंने मेरे को आज बुलाया था, तो इन्होंने मेरे को देख लिया। जॉइंट कमिश्नर और DCP ऑफिस भी गया था, तो उन्होंने मेरे को आज बुलाया था कि आप आ जाओ और हम आपके कार्रवाई करते हैं, लेकिन उन्होंने मेरे को देख लिया। जॉइंट कमिश्नर और DCP आते हुए कह रहा कि अब तू इतनी ज़्यादा कार्रवाई कर रहा है ना, भागा दौड़ी कर रहा है, तो हम तेरे को जान से मरवा दे देंगे, तू ना रहेगा ना ही कार्रवाई होगी। और मैंने ये एप्लीकेशन 24/5 को भी DCP सर को दे रखी है कि इतने साल जनवरी से मेरे को मारने की धमकी दे रहे हैं, जब से हमारे प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा है। करते क्या है सर? सर, मेरा प्रॉपर्टी का काम है, प्रॉपर्टी का ऑफिस। और उनको वो क्या करते हैं? उनका तो डिस्प्यूट का काम है, यही सब काम है उनके, कि किसी की प्रॉपर्टी पे कब्जा करना। गांव में भी एक कुएं की जमीन घेर रखी है, बुधगार में भी एक हमारा प्लॉट बेच दिया था उसने अपने नकली डॉक्यूमेंट्स बनाने के बाद, और अब इस प्लॉट पे भी उसने हमारा कब्जा कर लिया। इनकी मदर है? हाँ जी। तो क्या कुछ हुआ है, कैसे? रात के विवाह में हम सब मारे हैं और घर पर गुंडे बुला लिए, 5-6 गाड़ी घर पर लगा दी हम सारे मार के, और सारे इनको वो कर दिया, जानलेवा हमला करा। मैं अपने बच्चे बचा रही थी, बच्चे बचाने के चक्कर में नहीं, घर पर हमला हुआ। हाँ, दूसरी गली में हुआ था, हमारे मौत हो रही है वहाँ पे थे हम, घर पे भी थे। फिर घर पर गाड़ी लगा दी, लाके हमारे बच्चे इनके लो और हमको लो, घर से निकलते ही मार देंगे हम, घर से निकलते ही मार देंगे। यहाँ भी अम्बेडकर पे भी गाड़ी लगा कर रखी है कि हम निकलते के साथ यहाँ भी मारेंगे हम, इसीलिए वहाँ पुलिस प्रोटेक्शन के लिए 100 नंबर की जिप्सी का वेट करते रहे, हम घर पे गए नहीं, ताकि हम पे कोई जानलेवा कि हमारे ऊपर कोई गलत वो ना हो जाए, कि गोली वोली ना मार जाए हम। ये जो आपको चोट लगी हुई है सर पे, हाथ पर, कैसे लगी? उसने मेरे ख्याल से हथियार से वो मारा, उसका बट मारा, उनके पास लाइसेंस ही हथियार है, तो वो मारा था कल रात को ही। आप क्या लगती हैं? वाइफ हैं आप इनके? क्या कुछ हुआ, कैसे हुआ आपके सामने, क्या कुछ हुआ? मैं मेरे हस्बैंड के घर पे ही बैठे हुए थे, ऐसा कुछ नहीं था कि वहाँ से इनके पास फोन आता है एकदम से और ये भागे चले गए थे, कि वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा कि बहस हो रही है, और हम लोग अपने नीचे घर के छत के नीचे ही खड़े थे कि ऐसा कोई बात नहीं हो रही। लेकिन थोड़ी देर पीछे ये पता लगता है कि हमारे हस्बैंड पे कि हमला कर दिया था इन लोगों ने। घबराई हुई है, डर लगता है कि कहीं हस्बैंड को लगता है, नीचे आ गए, 5-6 गाड़ी आके खड़ी हुई थी, मैंने अपने बच्चों को अंदर करा कि कहीं आके अटैक नहीं करे हमारे ऊपर। कितने बच्चे हैं आपके?
तीन बच्चे हैं, तीन बच्चे, एक लड़की दो लड़के, तो बच्चों की जान को खतना है। कह रहे हैं कि तुम्हारे सब बच्चों को सबको मिला के सबको मार देंगे, तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर देंगे। इन्हें कह रहे हैं कि कहते हैं कि तुम्हारे बच्चों को भी मारेंगे, सबको यहाँ मिटा देंगे, ये बोलते हैं। आप लोगों से कहते हैं या तो आप प्रॉपर्टी दीजिए वरना आपके बच्चों को और पूरे परिवार को खत्म कर। हाँ जी, यही बोलते हैं। कह रहे हैं हमारे अगर तुम्हारे बस की है तो ले लो, नहीं हम ऐसा कुछ कर देंगे। क्या कहते तुम दूर अब सारे ही मारे जाओगे। डर लगता है। हाँ जी, हमें डर लगता है। इसी वजह से हम देहरादून शिफ्ट हो गए अपने बच्चों को लेके, कि हम के कि हमें मार ना दे, इसीलिए हम एक साल से अपना देहरादून चले गए अपने बच्चों को लेके, कि जान से मारने का। फिलहाल यहाँ क्या कर रहे हैं? हमारी कोर्ट की तारीख थी 27 तारीख को, जिस प्रॉपर्टी के केस के अंदर, उसी दिन आया, उसी दिन मेरे पर उन्होंने हमला करवा दिया कि ये इसी तारीख को आएगा और इसी तारीख को इसको मरवा दो। मतलब आप लोग सोचिए कि कोर्ट की वो तारीख चल रही थी जिस वक्त इनके ऊपर हमला किया गया, कोर्ट की तारीख में ये पेश हुए थे। कौन से कोर्ट में पेश हुए? इसमें रोहिणी कोर्ट में 304 नंबर में। तो इसकी कोई कंप्लेंट आपने दर्ज करा दी है जो आपके ऊपर हमला? हाँ जी, उसकी FIR है सर। तो पुलिस ने क्या कार्यवाही अभी तक की? इसमें दीपक के नाम कुछ नहीं है, बस नॉर्मल केस लगा दी जो थाने से जमानत हो जाए, क्योंकि इनकी पुलिस से मिली भगत है। इसने विपिन यादव, ये बुधगार थाने के जो SHO हैं, इन्होंने उनसे मिले हुए हैं। इन्होंने राजीव रंजन जी, जो शाहबाद डेयरी में मेरा केस है, इन्होंने उसके अंदर उनको कॉल करके बोला है कि इसमें नॉर्मल केस बना दे और ज़्यादा वो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और अब इन्होंने बुधगार केस के अंदर भी ये मिले हुए हैं और ये खुद ही इस बात को कह रहे हैं कि इस थाने के अंदर केस करवा दे, हम अपने आप सुलट लेंगे इनको, तेरे को जो करना है कर ले, मैं अपने आप देख लूँगा। पुलिस पर भरोसा नहीं? नहीं, पुलिस पर भरोसा नहीं है, इसलिए हम कमिश्नर साहब के पास आए हैं कि हमें हमारी वहाँ कोई सुनवाई नहीं है, हमें भी वहाँ जान से मारने की धमकी देंगे, मगर वहाँ पे भी आके हमारे साथ कुछ करवा ना दे हमारे साथ। ये क्या कह रहे हैं? नहीं भेजा है पुलिस का बस, बाकी नहीं, हमने फोन कर दिया था, कोई भी नहीं आया ना गाड़ी भेजी। ये कह रहा है कि मेरे साथ ही चलो, लेकिन वो तो हमने कहा कि हम तुम्हारे साथ अकेले आदमी को नहीं भेजेंगे। तो पुलिस भी नहीं आई? पुलिस भी नहीं आई, सिर्फ एक ही आदमी पुलिस का भेजा हुआ है बस वहाँ पर। क्या कुछ कह रहे हैं आप? इतना ज्यादा टेंशन में नजर आ रही है जी, हमें खतरा पूरा पूरा, हमारे बच्चे को भी, हमको भी, हम इनसे बच नहीं सकेंगे। पूरी धमकी दे रहा कि हमको, हम तो इनकी वजह से दिल्ली भी छोड़ के चले गए, इनकी वजह से हम दिल्ली छोड़ के भी चले गए कि हम अपने बाहर ही रह लेंगे, कहीं कर लेंगे। देखिए ये लोग दिल्ली से देहरादून शिफ्ट हो गए हैं, इन लोगों का ये कहना है। और इसके अलावा इनका ये कहना है कि जब ये तारीख पर पहुंचे उस वक्त इनके साथ ये घटना हुई। तो आप सोचिए कितना ज़्यादा सेंसिटिव ये पूरा मामला है। CCTV फुटेज कुछ हम आपको दिखा रहे हैं, क्या कुछ नुकसान आप लोगों का हुआ है? सर ये पूरे सर में मार रखे हैं डंडे वगैरह, ये सर ये हाथ तोड़ दिया मेरा, और ये पैर में, कमर पे भी चोट है। नहीं, गाड़ी मेरी 27 तारीख को टूटी थी, कल हम गाड़ी नहीं थी, हम अपने घर पे बैठे हुए थे। गाड़ी कैसे टूटी? उन्होंने आगे ये डंडे वंडे लेके, हथियार लेके मेरे को गाड़ी से बहार निकाल के मेरी चेन भी तोड़ ली थी, गाड़ी से 2 लाख रुपये भी निकाल लिए थे 27 तारीख को, और मेरे को मारा भी। जैसे मैं वहाँ से उससे धक्का देकर उनको किसी तरह ये रिठाला मेट्रो स्टेशन थाने में घुस गया मैं, उससे मैंने जाके अपनी जान बचाई इस थाने में जाके, नहीं तो मारने के लिए आए थे मेरे को उस दिन भी। कह रहे उस दिन तो तू बच गया लेकिन आज नहीं बच पाएगा। अभी आप सरकार से क्या चाहते हैं, प्रशासन से क्या कहना चाहते हैं, जनता तक क्या बात? जनता तक बस यही है कि हमें इनसे बचाओ, ये गुंडे बदमाश हैं और ये खुद औरों को बुला के सारा काम कर रहे हैं, और कल खुद भी आके हमें लाइसेंस ही हथियार है कि हमें गोली मारेंगे, सबको गोली मारेंगे। तुम अगर यहाँ दिख गए तो या तुम्हारा प्लॉट जो है, हम तुम्हें प्लॉट देंगे नहीं, तुम इस प्लॉट को भूल जाओ, तुम्हें कोई बंदा ही नहीं बचेगा, तुम उस प्लॉट का करोगे क्या, कि सबको मार देंगे। आप जनता को क्या कहना चाहती है मैडम? बस मेरी यही गुजारिश है कि उनके खिलाफ कोई कार्यवाही करी जाए। आप सुरक्षित खुद को महसूस नहीं करती? नहीं। क्या मांग करती हैं जनता से, क्या कहेंगी जो आपको देख रही हैं? आप करें जनता हमें बचावे, हम तो यही मांगते हैं कि हमारे बच्चे सही सलामत रहे। क्या कुछ हुआ है आपके साथ? सर कल मेरा ऑपरेशन हुआ था, स्टोन डला हुआ। क्या लगते हैं? मैं चाचा के लड़के हैं, हमारा आपसी में चल रहा है, उसका जमीन के ऊपर पंगा चल रहा है। हमने शिकायत भी दी है इनको, पर हमारी रात में ली नहीं गई, 2 बजे जब हमारी MLC हुई, हमारी ली नहीं गई, रिसीव ही नहीं की गई। उन्होंने बोला कि IO नहीं है, IO छुट्टी पर चला गया है। और सर हम वहाँ बैठे हुए थे, हमारे एक चाचा हैं, उनकी डेथ हो गई थी, तो हम आज उनकी 13वीं हैं, तो इसी बारे में बात कर रहे थे वहाँ बैठ के। ये आते हैं, आते ही हम पे सारे चुपट जाते हैं मारने के लिए। और मेरा ऑपरेशन हो रखा है, स्टोन डला हुआ है, कल स्टोन निकला था, और आते ही मेरे पेट पर लात मारनी चालू कर दी मनवीर सिंह और मनवीर सिंह की वाइफ ने। कहने लगे इसको मारो, उसके पेट पे मारो, इसको जान से मार दो, और मेरे यहाँ पे सिर पे भी मारा है उसने। पता नहीं किस चीज़ से हमला किया, ये देख नहीं पाया और मैं बेहोश हो गया वहाँ पे। कैसे ये विवाद पूरा शुरू? ये विवाद कहाँ से? ये जो एक हमारी दादा लाई ज़मीन है, प्लाट Sector 24 में, हम इसने सारे मरोड़ दिखा दिए, अब हम तुम्हें सबको मरवा देंगे और हम तुम्हारे को प्लाट नहीं देंगे।
और तुम्हारे बच्चों को भी मरवा देंगे हम, हमारे को जान से मारने की धमकी देते हैं। और हमने यहाँ से देहरादून शिफ्ट कर लिया इसी की वजह से, बदमाश लगता है और हमारे से धमकी दिवाता। कल रात ने हमला कराया, कल रात ने गुंडे भेज दिए रात को घर पे। हाँ जी, तो लगातार आप लोगों पे कभी हमला करवाता है, कभी पिटवाता है, कभी धमकी। हाँ जी बिल्कुल। कौन है व्यक्ति का, क्या नाम है? वो भतीजे हमारे दीपक सिंह है, हमारे मनवीर सिंह है, मनवीर हमारे भाई है, वही करवाता मनवीर। यही दोनों कर रहे हैं। हाँ जी, उनके खिलाफ आपने कंप्लेंट भी दे दी। हाँ जी। तो देखिए, पूरा की पूरा जो मामला है, पूरा की पूरा परिवार इस वक्त डरा हुआ है, और पारिवारिक ये पूरा मामला है, अपना ही परिवार प्रॉपर्टी के चलते ये पूरा विवाद शुरू हो गया है, जिसमें एक व्यक्ति पर जानलेवा हमला हो जाता है। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देखते रहें झलको दिल्ली। अपनी राय नीचे कमेंट सेशन में लिखकर जरूर बताएं।